नमस्कार, आप सभी को स्वागत है मेरे YouTube चैनल जीतू रसोई में। तो आज मैं क्या बनाने वाली हूँ, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले एक बाउल में साबूदाना लेना है। कोई कोई लोग कहते हैं ना कि साबूदाना फट गया, जल गया, खीर फट गया, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा और साबूदाना खिला खिला बनेगा। तो सबसे पहले साबूदाना एक बाउल में लेना है और उसे चार पानी से या पांच बारी से अच्छे से मसल मसल करके वॉश कर लेना है, धो लेना है। और इसे पानी, जितना आप साबूदाना लिए ना उतना पानी डाल करके इसे 30 मिनट तक रेस्ट के लिए छोड़ देना है। तो यहाँ पे मेरा 30 मिनट हो चुका है और मैं पानी से इसे अलग करके रखी हूँ। तो बिल्कुल भी ऐसे करने से साबूदाना ना चिपकता नहीं है और एकदम खिला खिला खीर बन करके तैयार होता है। तो आप भी ऐसे करें तो बिल्कुल भी आपका खीर फटेगा भी नहीं और इसमें कुछ पाउडर रहते हैं ना तो वो भी निकल जाते हैं, अलग हो जाते हैं। तो चलिए यहाँ पे बनाना शुरू करते हैं। तो एक बर्तन लेना है और इसमें दूध को डाल करके गैस ऑन कर देना है। तो मैं यहाँ पे 1 लीटर दूध यूज कर रही हूँ, बिल्कुल भी पानी इसमें मिक्स नहीं की हूँ। पूरा ये फुल क्रीम दूध है, मैं गर्म करके रखी थी। तो इसमें साथ में मैं मलाई भी डाल देती हूँ क्योंकि मलाई डालने से ना ये खीर बहुत टेस्टी बनता है, यमी बनता है और बहुत ही इसका ये मलाई डालने से खीर का जो स्वाद है ना वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो डाल करके अच्छे से चला देना है इसे और 10 मिनट इसे वेट करना है क्योंकि दूध अभी गर्म नहीं हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ 10 मिनट हो चुका है, मेरा दूध गर्म हो गया है, बॉयल आ गया है। तो अब जो भिगोया हुआ साबूदाना है ना उसमें अब डाल देने हैं। तो जितना भी साबूदाना आप भिगोए हैं उतना डाल करके अच्छे से इसे चला देना है। और थोड़ी थोड़ी देर में आप इसे चलाते ही रहना है, नहीं तो ये तली में ना जल जाएगा खीर और स्वाद बिल्कुल भी अलग हो जाएगा, अच्छा से नहीं लगेगा खाने में। तो आप जब भी खीर बना रहे हैं ना साबूदाना का, तो दूध का जो मात्रा है वो थोड़ा ज़्यादा ही रखें तो बहुत ही यमी खीर बनता है। तो यहाँ पे और जब भी बनाएं तो फुल क्रीम दूध ही यूज करें। तो देखिए यहाँ पे एकदम गुनगुना सा बॉयल आ रहा है और फ्लेम को ध्यान रखना है आप लोग कि फ्लेम को मीडियम ही रखना है, नहीं तो साबूदाना ना अच्छा से पकता नहीं है। तो देखिए यहाँ पे मैं भी फ्लेम को लो रखी हूँ और मीडियम में। तो यहाँ इसे चलाते ही रहना है थोड़ी थोड़ी देर में। देखिए कितने अच्छे से बॉयल हो गया ना साबूदाना और अच्छे से पक भी रहे हैं। तो यहाँ पे फ्लेम को मीडियम ही रखना है तो साबूदाना बहुत ही टेस्टी बनता है। तो यहाँ देखिए थोड़ी थोड़ी ठीक होने लगा है, तो इसे चलाते ही रहना है थोड़ी थोड़ी देर में। तो ये मेरा 20 मिनट हो चुका है, बचा है 10 मिनट। इसे बनने में 30 मिनट लग जाते हैं मीडियम फ्लेम पे। तो थोड़ी सी मैं ड्राई फ्रूट्स डाल देती हूँ, अगर यदि आपके पास नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। और डाल करके इसे भी अच्छे से चला लेना है। और यहाँ थोड़ी सी मैं इलायची पाउडर डाल दे रही हूँ फ्लेवर के लिए, इसे भी डाल करके मिक्स कर देना है। और अपने अकॉर्डिंग शुगर डालना है, आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं या कम मीठा पसंद करते हैं तो आप कम डाल सकते हैं। और मैं कम ही यूज कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे दूध का मात्रा ज़्यादा है ना, तो ऐसे ही ये मीठा बनेगा। तो देखिए यहाँ पे ठीक होना शुरू हो गया है। तो ये फ्लेम को मैं ऑफ कर देती हूँ और पक भी गया है मेरा साबूदाना। और इसे ढक करके 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं सेट होने के लिए। तो देखिए आप यहाँ पे 10 मिनट हो चुका है। तो मैं कवर हटा करके मैं दिखाती हूँ कि मेरा साबूदाना कैसा बना है, सेट होके कैसा बना है।
तो देखिए यहाँ पे कितने अच्छे से साबूदाना बन करके मेरा तैयार हो गया है, सेट भी हो गया है एकदम। तो मैं दूसरे बर्तन में सर्व कर देती हूँ। तो लीजिए यहाँ पे ये साबूदाना बन करके तैयार हो गया है। तो आप इस तरीके से ज़रूर अपने घर में ट्राई कीजिएगा। थोड़ी सी ड्राई फ्रूट्स मैं डाल देती हूँ ऊपर से, थोड़ी सी बादाम और किशमिश, आपको जैसा पसंद है आप वो ड्राई फ्रूट्स यहाँ पे डाल सकते हैं। तो मेरा ये साबूदाना बन करके तैयार हो गया है। आप इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा और अपने फैमिली मेम्बर्स को खिलाइएगा। बहुत यमी बनता है, बहुत ही टेस्टी बन करके तैयार होता है। और मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक